Good morning, everyone. This is your first class of financial management. So, how are your exams, by the way? Good? Okay, fine, great. So, what is financial management? Any guesses? Management related to finance. Management related to finance, okay, great. What is financial management? Financial management is the management of finances of organization in order to achieve its objectives. Ab, according to you, what is the objective of a firm? Kya ho sakta objective? Objective kya hoga firm ka? Aapne ek business shuru kara, aapka ek business hai, to aapka objective kya hoga? According to you. What? Okay. Growth, profit, anything else? Survival. Okay. Who are the ultimate owners of a firm? Owners kaun hote hain? Shareholders. ठीक है, तो एक फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इट शेयर होल्डर्स, राइट? सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. व्हाट इट इज? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, अब वेल्थ मैक्सिमाइज, हाउ विल मेजर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? मेजर कैसे करेंगे? क्वांटिफाई कैसे करेंगे? अच्छा, यू आर अ शेयर होल्डर, तो हाउ डू यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? उसका वैल्यू कैसे पता चलता है? आज मैं पूछूं कि यू हैव बॉट 10% शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, सो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टुडे? 10 साल पहले 10% शेयर खरीदा था, आज इसका वैल्यू क्या है? कहां से पता चलेगा? क्या देखोगे? मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, इट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, तो मार्केट प्राइस देखोगे. आप बोलोगे कि मैंने 10 शेयर्स 10 पे खरीदा था, आई हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज, टुडे वैल्यू ऑफ माय शेयर इज सपोज 500 पर शेयर, सो इट इज 5000 रुपीज. तो एक शेयर होल्डर को वैल्यू कैसे पता चल रही है? मार्केट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? तो एक, जब मैं कह रही हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ शेयर होल्डर, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या हुआ? टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट क्यों नहीं होता? जब मैं कोई बिजनेस शुरू करती हूं तो हमेशा सुना होगा कि प्रॉफिट में मैं करना चाहती हूं, बट हम इसे एज अ ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं मानते? प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट एक बहुत वेग टर्म है, ठीक है? अब मुझे पता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए मार्केट प्राइस क्या है. मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब कुछ, सारा इंफॉर्मेशन डिसमिनेटेड है, तो वो एक फेयर वैल्यू पे हो रखा है लिस्ट. ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक परफेक्ट मार्केट है, ठीक है? तो उसमें मार्केट प्राइस जो है फेयर वैल्यू पे है और मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है. बट अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट बोलती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, देन कौन सा प्रॉफिट? बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है? एक वेग टर्म है, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मे बी समथिंग इज वेरी प्रॉफिटेबल बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी रिस्की, राइट? देन आई एम नॉट अकाउंटिंग फॉर द रिस्क. यहां पे रिस्क अकाउंट नहीं हो रहा है. वेयर एज मार्केट जो है, शेयर होल्डर्स जो है, वो ये मार्केट प्राइस आता किसके बेसिस पे है? मैं कहती हूं कि मैं आज रिलायंस के शेयर को 500 पे वैल्यू कर रही हूं,
10 साल पहले मैं 10 रुपए पे वैल्यू कर रही थी, तो किस बेसिस पे मैं क्यों इसको 500 में खरीदने को तैयार हूं? कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, तो मैं क्या कर रही हूं? फोरकास्ट कर रही हूं, ठीक है? आई बिलीव कि फ्यूचर में ये मुझे इतना रिटर्न देगा, प्रेजेंट वैल्यू आज इसका मैं इतना स्पेंड करने के लिए तैयार हूं। मैंने फोरकास्ट करा कि फ्यूचर में जो इसके कैश फ्लोज होंगे उसमें मुझे कम से कम इतना रिटर्न आ जाएगा, मेरा प्रेजेंट वैल्यू मुझे वापस मिल जाएगा। तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं? हम फ्यूचर वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है? और जब मैं फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट कर रही हूं तो मैं रिस्क को कंसिडर कर रही हूं, ठीक है? कि इसके अंदर अगर ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक होगा, सपोज दिस इज अ पेनी स्टॉक जहां पे बहुत रिस्क होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, तो मुझे क्या चाहिए? रिटर्न ज्यादा चाहिए होगा, तब मैं रिटर्न इसके ऊपर ज्यादा चाहूंगी। इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न ज्यादा चाहेगा। पेनी स्टॉक सस्ते क्यों होते हैं? आपको पेनी स्टॉक का एक शेयर एक रुपए में मिल जाएगा, 10 रुपए में मिल जाएगा, और एक RIL का शेयर या HDFC का शेयर आपको 1200 रुपए में मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेबल स्टॉक है। HDFC का स्टॉक स्टेबल स्टॉक है, यहां पे रिस्क फैक्टर कम है, यहां पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको सस्ता खरीद रही हूं। तो जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें रिस्क अकाउंटेड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर रिस्क अकाउंट नहीं होता। मैं कहती हूं कि मैं इस दो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स है और एक है आपका प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट एक्स से मुझे एक साल बाद रिटर्न मिलेगा 5 लाख रुपए, और मैं एस्टिमेट कर रही हूं, फोरकास्ट कर रही हूं कि प्रोजेक्ट वाई से मुझे रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा 10 लाख रुपए। अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा चूज करोगे? बहुत सिंपल है, कौन सा चूज करोगे ऑन द फेस ऑफ इट, कौन सा चूज करोगे? 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए? 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट जब मैंने प्रॉफिट देखा तो मैं कहूंगी भाई मैं तो इसमें इन्वेस्ट करूंगी, बट इज इट ये पॉसिबल है कि एक बहुत वॉलेटाइल कंट्री में हो? सपोज ये येमेन में प्रोजेक्ट है जहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ही अनस्टेबल है, तो इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। हो सकता है मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, पर हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा पूरा प्रिंसिपल जीरो हो जाए, ठीक है? तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन रियल में ये ज्यादा अच्छा है। सपोज ये अमेरिका में है या यूरोप की किसी कंट्री में है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम इस केसेस में क्या करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? मेरा इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? एट अ डिस्काउंट रेट, एट अ डिस्काउंट रेट। ये डिस्काउंट रेट क्या होता है? दिस डिस्काउंट रेट अकाउंट्स फॉर द रिस्क इन्वॉल्व्ड। When we say that the cash flow after year 1, year 2, year 3 आपको जब दिया होगा and आप present value निकालेंगे, मतलब year 1 का value आज क्या है, plus year 2 का value आज क्या है, 3 का value क्या है, at आप उसको discount करेंगे discount rate पे to know the present value, then I am accounting for the risk, ठीक है? अच्छा, फाइनेंस क्या होता है? यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? क्या होता है बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस इज द मनी और द क्रेडिट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप दो तरह के से आप इन्वेस्ट करते हो। वन इज योर ओनर्स फंड, जो आपने खुद पैसा डाला है उसके ओनर्स ने पैसा डाला है, एंड अनदर इज द बोरोड फंड्स,
जो आप बाहर से उधार लेके डालते हो, ठीक है, जिसे हम डेट भी बोलते हैं, डेट को हम लेवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अगर एक फर्म है जिसने 0% डेट है, उसने कुछ भी पैसा बाहर से एक्सटर्नल नहीं ले रखा है, तो उस फर्म को बोला जाता है जहां पे 100% ओनर्स फंड है, दैट फर्म इज नोन एज अनलीवर्ड फर्म, व्हेन डेट इज जीरो, 100% इज इक्विटी, देन डेट इक्विटी रेशियो इज जीरो, 100% इक्विटी, दैट फर्म इज नोन एज अनलीवर्ड फर्म। जिस फर्म में कुछ भी 10% 20% भी डेट इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं लीवर्ड फर्म। क्या 100% इज इट पॉसिबल टू हैव 100% डेट ऑर्गेनाइजेशन? इज इट पॉसिबल कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूं और मैं पूरा का पूरा बिजनेस बाहर से उधार लेके शुरू करूं? अच्छा, एज अ गवर्नमेंट विल यू अलाउ दिस? इसके प्रोज और कॉन्स क्या? क्या आप एक, सपोज आप पॉलिसी मेकिंग में हो, तो एक बार सोच के बताओ कि आप अलाउ करोगे एक बिजनेस को शुरू करने पे जो पूरा का पूरा दूसरों के पैसे पे डिपेंडेंट है? क्यों? रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। रिस्क ज्यादा क्यों रहता है? तो बिजनेस फेल कर गया तो दूसरों का पैसा लगा है। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। अब मेरे पास इंसेंटिव बहुत कम है, मेरे पैसे तो लगा ही नहीं। सपोज आई हैव स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आप लोगों का पैसा लगा है, डूब गया तो पैसा गया, आप लोगों का गया, मुझे क्या? ठीक है, सो यू नीड टू हैव स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम, यू नो द फ्रेज, राइट? सो 100% डेट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अलाउड एंड इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप भी, मैं आपसे पैसा उधार लेने जाती हूँ, सपोज मैं कहती हूँ मुझे बिजनेस शुरू करना है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क कि तुम्हारा खुद का कितना पैसा लगा? Will you, मैं कहूंगी मैं तो एक भी पैसा नहीं लगा रही हूँ, बट यू गिव मी मनी एंड आई विल इंक्रीज इट, आई विल डबल ट्रिपल 100 times आई विल मेक इट, विल यू गिव इट टू मी? नो यू विल नॉट, राइट? तो बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व्स बोथ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, राइट? Now, there are primarily three functions of financial management जो आप पूरे बुक में पढ़ेंगे, ठीक है? पहला function is financing decisions. सबसे पहली बात, financial management जो होता है is a decision making process. You have to make decisions based on different theories, different formulas. ठीक है, इसलिए इसे management बोलते हैं, because decision making is involved. तो पहला क्या होता है? Financing decisions. Second होता है investment decisions. Third आपका होता है dividend decisions. फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस सोर्स ऑफ फंड, कि मैं फंड कहां से उठाऊं? शुड आई रेज इट एज इक्विटी और डेट और प्रेफरेंस शेयर्स? सो दिस इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल structure decisions. This is procurement of funds. That from where should I source my funds? कहाँ से पैसा लूँ? Equity से लूँ? Debt से लूँ? उनका mixture लूँ? कितना debt से? कितना equity से? ये सारे decisions कहाँ पे आते हैं? Financing decisions में, capital structure decisions में. कि अगर मैं debt, अच्छा debt और equity में से cheaper source of finance क्या होता है? Debt या equity? डेट, डेट क्यों होता है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस? बिकॉज टू रीजंस, वन इज टैक्स, यू हैव
टैक्स बेनिफिट ऑन डेट, डेट पे जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा, सिंस इट इज अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन इन्वेस्टर, हेंस द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय एन इन्वेस्टर इन डेट इज लोअर देन ऑन इक्विटी, बिकॉज इन इक्विटी देयर इज मोर रिस्क, मोर uncertainty involved than as an investor. If I am investing in a firm as an equity shareholder, I will demand more interest rate than if I am giving you as a debt. Because if I give you a debt and you become bankrupt, then I can go to the court to claim my money back. Okay? And debt owners have a preference over the equity shareholders. जब court आपके assets बेचकर liquidate आपको करना शुरू करेगा, तो वो पहले डेट होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट, उनका प्रिंसिपल वापस देगा, और अगर बाद में कुछ बच कुछ गया तो इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। तो डेट हमारा एक चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो फिर तो मुझे मैक्सिमम डेट ले लेना चाहिए, है ना। मुझे सस्ते में जो चीज मिल रही है वो तो मैक्सिमम ले लेनी चाहिए ना। तो कितना डेट, कितना इक्विटी, ये सब आप लोग पढ़ोगे फाइनेंसिंग डिसीजंस में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि कितना ले, कितना ऑप्टिमल है। क्योंकि क्या होता है, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस तो ठीक है और आपको फायदा भी है, पर तब तक ही है जब तक आप उसका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे बैक कर सको, जब तक मुझे उतना प्रॉफिट अर्न हो कि मैं अपना इंटरेस्ट वापस दे पाऊं। अगर मुझे लॉस हो रहा है देन इट इज अ बर्डन। सपोज आई वो माय फर्म स्टार्टअप मेक अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस। सपोज Zomato इनिशियली स्टार्टेड एंड इट मेड रुपीज 1 lakh लॉस इन अ मंथ। अब मेरा 1 lakh लॉस तो था, सपोज मैंने 90% डेट ले रखा है जिसपे 9 lakh का मेरा सपोज डेट है, जिसपे मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, कितना हो गया, 90,000 और एड हो गया, क्योंकि ये तो मेरा ऑब्लिगेशन है, आई हैव टू पे बैक इट। Now my it is aggravated. My losses are aggravated. Why? Because I am suffering losses plus I have to bear this obligation. So debt is a cheap source of finance, but it is only and only beneficial till the point you are able to recoup the interest. You are able to pay back the interest obligations. Right? So ये सारे decisions जो आते हैं आपके financing decisions में आते हैं। अब आपने finance उठा लिया, आपने इक्विटी ले लिया, डेट ले लिया, करोगे क्या फाइनेंस का, किस लिए लेते हैं, किस लिए हम पैसा उठाते हैं, व्हाई डू वी रेज फंड्स, एक्सपेंशन करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कि मैं In which project should I invest so that at least I am able to recover the cost of capital. जो भी मेरा cost आया उस capital को उठाने में, यहां से आ जाएगा आपका cost of capital. मैंने 50% equity उठाया, 50% debt उठाया, weighted average cost of capital निकाला, तो मेरा आ गया cost of capital. अब मुझे पता है कि मैंने जो 1 lakh रुपए उठाए हैं इस पे मेरा cost of capital 10% है, ठीक है। तो मैं अगर प्रोजेक्ट मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया फॉर एग्जांपल 10%, नाउ आई हैव टू ऑप्शन, प्रोजेक्ट एक्स इज गिविंग मी द रेट ऑफ रिटर्न एट 12% एंड प्रोजेक्ट वाई इज गिविंग मी 8% रेट ऑफ रिटर्न, तो मैं कौन से में इन्वेस्ट करूंगी। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन ना दी होती तो दीज बोथ आर पॉजिटिव फॉर मी, मुझे दोनों से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, मैं दोनों में इन्वेस्ट कर सकती थी। बट नाउ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, देन इन व्हिच प्रोजेक्ट शुड आई इन्वेस्ट, व्हिच वन, कब इन्वेस्ट करेंगे, जब रिटर्न हमारा ज्यादा होगा कॉस्ट से। कॉस्ट है 10%, यहाँ 12% है, यहाँ 8% है, मैं 10% पे उठा रही हूँ, मतलब मैं 10 रुपए इंटरेस्ट दे रही हूँ, मुझे 8 रुपए मिल रहे हैं, मैं करूंगी, दिस इज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन, देन इन दिस आई एम गेटिंग 12 एंड आई एम रेजिंग इट एट 10, सो आई विल इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट एक्स सिंस द रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये सब आपका आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अब दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा, एक बिजनेस का शॉर्ट टर्म वो किसमें इन्वेस्ट करता है? शॉर्ट टर्म डे टू डे विद इन एन ईयर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा पैसा जो मुझे सिर्फ एक साल से कम के लिए चाहिए, मैक्सिमम एक साल के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए होगा? I spent in an organization, you spent your cash or money at two places. One is for expansion, diversification, growth. Another is for day-to-day activities. If I am producing anything, suppose I am making this furniture, then I need wood, I need adhesives, I need machinery. Day-to-day business, jo raw material ho gaya, aapke debtors ho gaye, creditors ho gaye, jinhe hum current assets bolte hain, uska management bhi to chahiye, udhar bhi to paise invest karne hain. राइट, एक तो आपको डे टू डे के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, एक आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फाइनेंसिंग चाहिए. सो द डे टू डे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. क्या होते हैं ये? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, रीबिल्ड करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, वर्टिकल एक्सपेंशन, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म आर नोन एज कैपिटल बजटिंग, डे टू डे शॉर्ट टर्म आर नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. राइट, एंड दे टुगेदर आर नोन एज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सो नाउ यू हैव रेज द फंड्स, नाउ यू आर डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट इट, वेयर टू इन्वेस्ट इट. राइट, अब थर्ड एंड लास्ट इज डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड, अब आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपके पास प्रॉफिट आ गया, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू शुड गिव दैट इंटायरली बैक टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड और यू नीड टू रिटेन सम ऑफ इट. सो रिटेन्ड अर्निंग्स रखने हैं कुछ टू री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और यू नीड टू गिव 100% पे आउट as a dividend. ठीक है, तो how much payout is to be given, how much dividend if at all is to be given, वो कहाँ पे आता है? Dividend decisions में. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? Decide कि कितना dividend दे कि नहीं दे. If देखो क्या होता है, retained earnings एक cheap source of finance होता है. ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो खुद के पैसे हैं वो मैं invest करूं कि नहीं करूं depends upon कि मेरा future में growth क्या होगा. अगर मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ है तो ये एक चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है. मैं कहती हूँ मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. मैं पूरा का पूरा अपना पैसा वापस ही अपने बिजनेस में लगा दूंगी, मेरा नहीं है बाकी सबका भी है. नाउ व्हाट विल हैपन एज अ शेयर होल्डर, इट इज प्रूवन दैट शेयर होल्डर्स प्रेफर कैश डिविडेंड्स, दे वैल्यू डिविडेंड. हो सकता है समवन इज अ सीनियर सिटीजन एंड ही हैज इन्वेस्टेड इन योर फर्म टू हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, देन यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल deciding on dividend those kind of shareholders as well. So you have to keep in mind the growth of your organization as well as the preferences of your shareholders, that what is my share, what does my shareholder wants. Okay, is it a regular source of income for him or he wants capital appreciation? Wo chahte hai sir mera share jo hai wo bahut high value pe chal raha jaye. Capital appreciation chahiye ya usko regular source of income bhi chahiye, dividend bhi chahiye? ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा हमने? दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस बिजनेस फाइनेंस इन विच वी सब्स्यूम ओनर्स फंड as well as borrowed funds. Finances of an organization in order to achieve its objective. Objective is wealth maximization.
एंड द वेल्थ ऑफ अ कंपनी इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस. Wealth is a function of investment decisions, financing decisions and dividend decisions. Everything is clear till here? Any doubt? So, shall I move on? Achha. एक ना फाइनेंस से रिलेटेड थ्योरीज होती है, बहुत सरफेशियल वे में पढ़ेंगे. ट्रेडिशनल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी. सर, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहती थी? फाइनेंस को पहले क्या समझा जाता था? एक गल्ले वाला काम समझा जाता था कि जब मुझे आई हैव टू स्पेंड एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स, देन आई यूज टू कॉल समवन हु आई यूज टू थिंक इज अ वाइज पर्सन, विल मैनेज माय फाइनेंसेस. जब मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक्सपेंशन करना है, एंड ही विल प्रिपेयर अ बजट, कैपिटल बजट ही विल प्रिपेयर फॉर मी, एंड ही विल टेल मी दैट वेदर आई शुड इन्वेस्ट हियर और नॉट. बट सिंस the organizations have become so intertwined, so complex, intricate, now finance is involved everywhere. In working, in day-to-day activities also it is involved. So the scope of finance has increased now. So the modern theory states that it is not limited just, you know, far in between of your business, but it is a day-to-day activity and has become a kernel of any organization. So it has become a core. So finance, as you know, you must have heard that finance is a blood of any organization, right? So it is very important to effectively manage your finances. Now this will be in the overview of your course of financial management. First we'll study the time value of money. Ab time value of money kya hota hai? Anyone, what is the time value of money? Maybe increase or decrease, right? Why does that happen? Because of taxes. Because of taxes, okay. Dollar ki jo value hoti hai, wo change hoti hai because of demand and supply in the market. डॉलर की जो डेली वैल्यू डिटरमाइन होती है इज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी. इन इकोनॉमिक्स यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, राइट? या यू मस्ट हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स राइट नाउ बाय नाउ. सो द वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है कि आज डॉलर की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इट वैरीज. और बाकी फोरकास्ट वगैरह, इन्वेस्टर्स का प्रोडक्शन, बट वो सब डिमांड को इफेक्ट करता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अच्छा, आज जो एक रुपया है, सपोज आज पेट्रोल का रेट क्या है, किसी को पता है? 72, 90, 96 रुपीज लीटर, ठीक है? तो फॉर टुडे आई कैन बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर 96 रुपीज. After 10 years, will I be able to purchase 1 liter of petrol for the same amount? 96 mein kya same liter of petrol aa jayega? 1 liter aa jayega after 10 years? No, it is not possible. Maybe half a liter will work. In 96 mein main 10 saal baad sirf aadha liter khareed paungi. It is, the amount is same, right? So what the time value of money says, if something is very hilarious, then please Miss, I'm talking to you. If you don't want to study, you can leave. So, the amount is same, but the worth, the real value has changed. So, the time value of money concept says that the value of money, the exact money is not same at different intervals. ठीक है? So, if in finance we write present as year zero, so today 100 rupees and after in year 100 rupees are not equal.
आज यू से मी यू टेल मी दैट आई विल पे यू 100 टुडे और आई विल पे यू 100 आफ्टर इन ईयर, देन आई विल प्रेफर 100 टुडे बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्रीज विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन. ठीक है, सो दिस इज नॉट टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट. क्या कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? दैट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट इक्वल इफ इट इज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंस के अंदर. कहीं पे भी आप लोग फाइनेंस पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ बैकबोन बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आपको जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप एक एक्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इट विल गिव यू 5 लाख ऑफ रिटर्न आफ्टर एन ईयर एंड प्रोजेक्ट वाई विल गिव यू 20 लाख आफ्टर 10 years. Then you have to compare both of them. And to compare these two values, you have to calculate the present value of both the projects. आपको एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा, आपको वाई जीरो पर इस दोनों वैल्यूज को लाना पड़ेगा और तब कंपेयर करना पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बिकॉज हियर द प्रॉफिट इज मोर बट द टाइम पीरियड इज ऑल्सो मोर. सो यू हैव टू चेक कि आज उसकी वैल्यू क्या है. या तो आप इसको दोनों को प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे कि यहाँ पर आज दोनों की वैल्यू क्या है, या फिर आप दोनों को फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाएंगे एक इंटरवल पे. सपोज 10 years के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स की वैल्यू क्या होगी, सो यू ब्रिंग देम एट वन पॉइंट एंड देन यू विल कंपेयर. सो ये हम बढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. देन यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. What is the cost of capital of equity, preference shares, debt, everything will come under that. And then you'll calculate the weighted average cost of capital. Then you'll decide capital structure decisions, how much equity, how much debt is to be raised. After that, leverage. Leverage kya hota hai? Dekho, jahan pe bhi leverage use ho jata hai na, that means fixed. Something is fixed. So, aapka financing leverage hota hai, aapka operating leverage hota hai. Financing leverage mein, you have a debt component. And operating leverage में you have fixed cost involved. तो जो fixed सारा portion होगा that we'll study in leverage. ठीक है, then you'll study capital investment decisions, in which project you have to invest, then dividend decisions and then working capital management. In working capital management you have cash management, you have inventory management, you have receivables management, okay? So this will be your entire course, right? Acha, what is the difference between financial management and financial accounting? डिफरेंस क्या होता है? मैंने क्या बोला था, व्हेन आई वाज रीडिंग द स्टेटमेंट आई टोल्ड यू वी कॉल इट एज मैनेजमेंट बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व. एब्सोल्युटली राइट, हम इसको मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? जहां पे भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है ना, दैट मीन्स दैट डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व. You have to put some formulas or whatever the result comes, then based on those you have to make some sort of a decision, right? There are many factors involved. ठीक है, आपने project X निकाले, project Y निकाले, जैसे हमने Yemen और Europe का example लिया था. Then what we taken into account? The political environment, right? So after considering that, then I have to make the decision that where I think that I should invest my money. तो मैनेजमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज रिपोर्ट. यू हैव टू रिपोर्ट दैट व्हाट यू हैव डन, वेयर यू हैव स्पेंड योर मनी, फ्रॉम वेयर योर रेवेन्यू वाज कमिंग. सो इट इज अ रिपोर्टिंग. देन दिस इज डिसीजन मेकिंग. देन डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व, विल इट बी फॉर एक्सटर्नल पीपल और फॉर इंटरनल पीपल? इंटरनल. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज
फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, फॉर इंटरनल पार्टीज इन्वॉल्वड, व्हेयरएज रिपोर्टिंग इज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट, योर पीएनएल स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग. And every stakeholder involved will go through your accounting reports. Fine. So, chalo. Abhi idhar se padhte hain. So, what is the objective? Objective kya hota hai? FM ka, financial management ka. Abhi padha humne. Wealth maximization. What is the objective of accounting? Financial accounting? Overall financial performance and financial position of an organization. So you have to report that what are your overall performance in sense that how much return ROI kitna hai aapka, theek hai, return on investment kitna raha, EPS kitna raha, theek hai, aapke assets kitne hai, cash kitna hai, cash liquidity kitni hai. So these are the quantifiable terms that we report there. To tell what is the financial position of my organization, right? Then treatment of funds. The treatment of funds is based on cash flows. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी आप पूरा FM पढ़ोगे so आपको ना cash flows दिए होंगे, forecasted cash flows, because you have to make the investment. So you'll always have forecast, you will have future cash flows. कि year वन के बाद आपको इस प्रोजेक्ट से कितना मिलेगा, टू के बाद कितना मिलेगा, थ्री के बाद कितना मिलेगा. सो इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, देयर एज अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन अक्रूवल प्रिंसिपल्स. अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है, सो यू अकाउंट फॉर दैट, यू अकाउंट फॉर ऑल द लॉसेस, बट यू विल अकाउंट फॉर प्रॉफिट ओनली व्हेन यू रिसीव देम. राइट, सो अक्रूवल एक्चुअल से रिलेटेड नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल कैश फ्लोज को हम कंसिडर करते हैं. फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑन डिसीजन मेकिंग एंड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. हेयर वी यूज प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेटा, हेयर वी यूज हिस्टोरिकल डेटा. वी हैव टू रिपोर्ट द लास्ट ईयर, हाउ वॉज द लास्ट ईयर, वट वी स्पेंड, वट वी अर्न. इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरनल मैनेजमेंट, here internal as well as external management. So is it clear till here? Should I move to the next slide? Acha. What is agency problem? एनी वन ऑफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट एजेंसी प्रॉब्लम? इंश्योरेंस का कोई पेपर पढ़ा है? ओके, इंश्योरेंस में कहीं पे भी, मैनेजमेंट में नहीं, नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, इंश्योरेंस में या कभी भी इस टर्म के have you been acquainted with this term, agency problem? Agency problem kya hota hai basically? Who are the owners of an organization? Owners kaun hote hain? Owners are the shareholders. Now, who manages and look after the day-to-day activities and management? Board of directors, your managers, right? ये क्या होते हैं, हमारे management team होती है. ठीक है, so they are the agents of the shareholders. Shareholders employ board of directors to maximize their wealth. They act on their behalf. They are the agents of shareholders. But sometimes what happen is that there is not an alignment in the objective of management and
द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स. दोनों कभी कभी सेम नहीं होते. क्या जैसे कब होगा ऐसा? फॉर एग्जाम्पल कोई, कैन यू जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग? अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनरॉन? एनरॉन कोलैप्स इन 2001. देखो, एज अ मैनेजमेंट आई हैव अ लिमिटेड टेन्योर पीरियड एट एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इफ आई एम अ सीईओ आई विल बी देयर फॉर 10 years और 15 years और मे बी 20 years. सो आई एम मोर फोकस्ड अपॉन, एज अ ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन नेचर, आई एम मोर फोकस्ड अपॉन शॉर्ट टर्म गेन्स. अब सपोज यू से दैट माई बोनस इज लिंक्ड टू माई परफॉर्मेंस. ठीक है, आप कहते हो जी हमने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव, सो यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज मच एज पॉसिबल एंड उसके बेसिस पे आपका बोनस डिसाइड होगा. सो इफ द शेयर प्राइस गोज बाय 10% इंक्रीज देन यू विल गेट 10% ऑफ दिस. सो योर सैलरी, योर बोनस विल बी 1%. राइट, so now what will I try? I try to pump up the share prices as much as possible for the short term. ठीक है, I will not look after the risk. If I know that my bonus is linked to that, you know, anchor, the anchor is the share, the price, market price of the share, then I'll try to increase it as much as possible. Now what will I do in order to do that is I will ignore risk. I will take on too much risk, which will hamper and destroy the organization in the long run. Now in Enron example, Enron was a huge conglomerate in America. Huge, it was, it has its fingers in every pie. So it was in gas, it was in electricity, it was an enormous organization. But what the management was doing, management was reporting, there was, their accounting reports were falsified. So they were presenting the wrong picture. They were creating a facade that they are, you know, earning some sort of revenue, very high revenues. And based on that, they had a very high share price. Very high share price. Now, in the long run, and to, you know, shift the focus from this, to shift the focus, what they did, they created a very complicated organization. So they had very multiple branches. They will have SPV, special purpose vehicles, multiple special purpose vehicles. So it was very difficult to find out the problem. So the management was, you know, running high on the tide. But when it come to an end, Enron was crashed. Right. Why this happened? Because the management was taking too much risk to increase that value of the share. Whereas एक शेयर होल्डर्स का इंसेंटिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन देयर शेयर प्राइस. तो जब ये शॉर्ट टर्म, इनका पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म गेन्स. इनका पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म गेन्स. सो व्हेन देयर इज नॉट एन अलाइनमेंट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ओनर एंड ऑफ मैनेजमेंट, देन देयर अराइजेस एन एजेंसी प्रॉब्लम. इसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, जब नॉन अलाइनमेंट होता है ओनर्स और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में. इसके लिए हम उन्हें काफी सारे मेथड्स होते हैं इसको करेक्ट करने के लिए. द मोस्ट फेमस इज ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हम उन्हें दे देते हैं सो दैट देयर इंसेंटिव इज ऑल्सो लिंक्ड टू द शेयर प्राइस, लॉन्ग टर्म शेयर वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So you should know what is an agency problem. You sometimes get a short note on this. अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले वाले टॉपिक पे, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? जब प्रेजेंट वैल्यू में या तो इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टेट्स दैट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी डजंट वैल्यू द सेम एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम.
ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, इस पे यू गेट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यू विल स्टडी चार चीजें. इसके विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी. ठीक है, तो बेसिकली ये चार हम फॉर्मूलाज, ये चार कैलकुलेशंस हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू सबको पता है क्या होती है. प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू होती है जो आज अभी क्या है. फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? एन के बाद. एन क्या होता है? हमारा पीरियड, कि 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद क्या वैल्यू होगी. इज एवरीवन कैरिंग द कैलकुलेटर? यू पीपल हैव योर कैलकुलेटर्स? From next class, everyone is required to carry a scientific calculator. Okay? In financial management, corporate finance papers, scientific calculator is allowed. Scientific calculator is allowed in financial management exam. It is specifically written on the question paper that scientific calculator is allowed. अब हमने वहाँ पे क्या देखा था? That the time future value of money is present value money plus interest or inflation. अब हमारे interest, two types of interest are there, simple interest and compound interest. अच्छा, जब भी हम ना future value calculate करते हैं तो जब हम interest rate को बोलते हैं वो होता है हमारा compound interest. जब हम भी हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, द सेम इंटरेस्ट दैट इज गिवन इज नोन एज डिस्काउंट रेट. ठीक है, उसी को, सेम को हम डिस्काउंट रेट कहते हैं. यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. अब इंटरेस्ट हमारा दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? दिस यू मस्ट ऑल बी नोइंग. सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एनीवन? यस, गेट एडेड टू द प्रिंसिपल एंड देन द इंटरेस्ट गेट्स इंप्लाइड ऑन द न्यू अमाउंट. फाइन, सो सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, राइट? This is future value and the simple interest formula is PRT. Future value is 1 plus. Fine. Compound interest formula. Future value will be this, where R is the rate of return and T is the time period. Right? Present value will be okay, so whatever the amount is, principal is, this is principal, rate of return, time period. This is for simple interest. And if I have to calculate compound interest, then I'll subtract from present value the principal amount. Fine. So we'll do some chote chote questions on this. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इज इट विजिबल? सो प्लीज कैलकुलेट द अमाउंट.
किसी का आया? 6 months, 6,000 is the simple interest, right? For 1 year, 12,000, for 2 years, 24, for 195 days, 1,095 days, 36, and for 90 days, 2,959, approx 3,000. So shall I do the calculation, or is it you are comfortable with this? Everyone is comfortable. एक करके दिखा दूँ. यहाँ पर n क्या हो जाएगा, सिंस इट्स 6 months, 6 divided by 12, 0.5 विल बी द टाइम पीरियड. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी, जो ये इसको हम टी भी बोल देते हैं, n भी बोल देते हैं, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, 1 lakh इंटू 0.212 इंटू 0.5, कैलकुलेट करो. आ गया 6,000. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6,000. फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, वन लाख 6,000, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो 1 lakh प्लस 6,000, 1,06,000, ठीक है. Everyone is comfortable with this? हमें n निकालना होता है, ठीक है. यहाँ पे 6 1 था, 6 divided by 12. अब इधर कितना हो जाएगा, 3 years. Why? 1,095 divided by 365. This will be 3 years. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 into 0.12 into 3, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 divided by 365. तो आप इसको 1 lakh इंटू 0.12 इंटू 90 divided by 365, ठीक है. आंसर ऑन द लास्ट वन, 2,959. So, shall we move on? Okay. Okay.
अब दो तीन क्वेश्चन है, उनको फटाफट करेंगे स्पीड से. यू हैव टू टेल मी द आंसर्स एंड देन वी विल मूव ऑन. देन वी विल डिस्कस द एनुइटी वैल्यूज. ये करो. एवरीवन किसका आया आंसर? इफ इट्स नॉट विजिबल शैल आई इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट? इट्स विजिबल. Anyone? No. We have to calculate the present value. Present value is always less than the future value. One lakh, yes. नहीं आया. Should I do the calculation? के लिए देखो, FD receipt has a maturity value of this much. Maturity value का मतलब हुआ क्या दिया हुआ हमें? What is given? Given क्या है? Future value. Maturity मतलब end में जाकर जो भी हम एफडी कर रहे हैं उसका वैल्यू होगा 1,30,000. व्हाट इज द अमाउंट एट विच फिक्स्ड डिपॉजिट हैज बीन इनिशियली परचेज्ड इफ द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 10% पर ईयर एंड द मैच्योरिटी पीरियड इज 3 years. तो टी क्या है? 3 years. हमसे पूछ क्या रहा है? इनिशियल अमाउंट. इनिशियल मतलब टुडे. What we have invested today. So what we have to calculate? The present value. So future value ka formula kya tha? What was the formula of future value in simple interest? We have to calculate this. We have to calculate the principal amount. And the future amount is given as 1,30,000. What is the rate of interest? 10%, which means 0.1. So 0.1 into 3 years. So this will be 1+0.3. So you will divide. ये यहाँ जाके divide हो जाएगा. So P will be 1,30,000 divided by 1.3, right? आया? कोई doubt किसी को? Anyone, any doubt? इसको सीधा हम present value से भी वैसे कर सकते थे, पर ये भी ठीक है. चलो anyone, any doubt? Should I move to the next question? अब ये करो. चलो
किसी का आया 6 months? If something is not clear, you can ask it again. There are no issues. Anyone? 6 months? Six months, 56,000. No. Future value has to be more than 1 lakh. How can it be 56,000? Are you telling me the compound interest amount? That is also not 56. Should I calculate? What was the formula of future value for compound interest? Kya formula tha? No, that is for simple interest. This is for compound interest. This is the formula for compound interest future value. Right? Now, how much is the principal? Everyone, attention here. 1 lakh. What is the rate of interest? 0.12. What is the time period? 6 months means 1/2, 0.5 is same as 1/2. So, ye kya ho jayega? Square root ho jayega. Right? Now calculate. कितना आ रहा है? Is this coming? Yes. ठीक है. अब 2 years का निकालना होता तो क्या चेंज हो जाता? पावर चेंज हो जाती. ये क्या हो जाता? अब स्क्वायर. So, 1 lakh into 1.12 का स्क्वायर कितना आएगा? किसी का आया? आगे? ठीक है. सो इज इट क्लियर? बाकी सबका निकल जाएगा. 1095 डेज विल बी 3 years. फ्यूचर वैल्यू निकल रही है. इंटरेस्ट आप निकालेंगे, इसमें से विल सब्ट्रैक्ट
द प्रिंसिपल अमाउंट. इसमें क्या है, इंटरेस्ट इज एडेड, राइट. दिस इज हाउ मच आई विल हैव आफ्टर 2 years. मैंने जितना प्रिंसिपल लगाया था वो मैं निकाल दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इधर 1 लाख में निकाल दूंगी, व्हाट विल बी माय कंपाउंड इंटरेस्ट, 25,440. और 1095 डेज का निकालो, कितना आ रहा है. यस, करेक्ट. सो शैल आई मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Now do this question. एनीवन, आया किसी का आंसर? एनीवन हैज द आंसर? आई विल हैव टू चेक. सो व्हाट इज गिवन टू मी, फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, मैच्योरिटी वैल्यू दिया, मतलब फ्यूचर वैल्यू इज गिवन टू मी विच इज 133,100. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 0.1. टाइम पीरियड इज गिवन एज 3 years. आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, राइट, पी. वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? बट I don't have the present value, you know. So I use the future value formula. Future value is 1 plus r is to the power t. So what is the future value? 133,100. 1 plus 1.3. यहाँ जाके divide हो जाएगा. So P will be 133,100 divided by, so this will be 1 lakh. Right? Is it clear? Is this clear? So, shall we move on to the next question? Achha, what is effective rate of interest? Anyone? Any idea? What is effective rate of interest? Effective rate of interest is the actual increase. Is the actual increase in the amount after 1 year. Actual increase in the amount of principal after 1 year. Achha, to matlab, what is the effective rate of interest
और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क हुआ? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या हुआ? वो भी तो पर एनम दिया तो वन ईयर ही होता है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द वैल्यू इज कंपाउंडिंग अदर देन एनुअली. अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है वैल्यू, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम एज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट इफ इट इज कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, देन द टू वैल्यूज विल बी डिफरेंट. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी एनुअल. दैट हाउ मच इंक्रीज इज देयर इन वन ईयर, वेयर एज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी गिवन टू यू मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, इन एनी फॉर्म. राइट, तो वॉट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? If I want to know, suppose, आज हमें जानना क्यों है? Why we want to know? What is the objective? Why we want to know that what will be the effective rate of interest? For long-term investment purpose, then rate of return will, rate of interest will also do the same thing, na? Why? For comparison, basically. अब suppose there are two investment in one. It is compounding annually. The rate of interest, suppose there is A and B. Okay, in A 6% interest, a rate of interest is there which is compounding half yearly. ठीक है. Project B 12% per annum. Which one is better? How will you compare? Though by common sense you can tell that this one will be better, since in 1 year interest will be more than 12%, but to know the exact difference you have to compare them at the same time period. So aap isko bhi kis mein change karenge, to aap dono ko effective mein layenge. In this, the effective rate of interest will be same as 12%, but here the effective rate of interest will be different. What will it will be? The formula for effective rate of interest is future value minus 1. ठीक है. It is future value minus 1. So for example, जहां पे 6% था हमारा, वहां पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? और फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड. एंड पी वी आर अज्यूमिंग हियर 1, इट्स नॉट गिवन, सो पी विल बी 1. सो इट इज सिंपली P, principal is 1, we are assuming on 1 rupee how much rate of interest we will get. R is 0.06, T is 1 year minus 1, so this will be 1.06 minus 1, there is some problem, sorry. Since it is compounding half yearly, this will be 2 and this will also get divided by 2. ये क्या होता है? N होता है. जितनी times N क्या होता है? जितनी time भी compound हो रहा है interest. ठीक है? N क्या होता है? The number of times the interest is getting compounded. Half yearly है, तो साल में 2 बार compound होगा interest. So we'll divide R by 2 and we'll multiply T by 2. Since here it was 1, so 2 into 1, 1. Right? So the value will be 1. So what will be the amount?
what will be the amount? There is some issue in this. So this will be 6.96. 0.06096. So this will be 6.096%. Only 96. Okay, so this will be the effective rate of interest. There I said it wrong, then that will be the better one. So annually how much will get? Not 6% interest rate, but 6.96% interest rate, right? So which one will be better? That 12%. It was my mistake, I said that this one will be better, right? We'll do one question, okay, one case. So for in case one, calculate the effective rate of interest. What will be the effective rate of interest? What's the answer coming? So future value will be 6 months compounding half yearly, this will be 0.12 divided by 2. How much this is coming as? 1.12, because it is compounding half yearly. ये जो होता है, जितने टाइम भी आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है उतने टाइम से दिस गेट्स डिवाइडेड. यहाँ पे क्या होता है एन, और ये टी एन से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो सिंस इट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो मतलब साल में दो बार कंपाउंड हो रहा है. हाफ ईयरली मतलब दो बार आया, तो विल डिवाइड रेट बाय 2 एंड विल मल्टीप्लाई टाइम पीरियड विद 2. इट वॉज 1 ईयर, वी हैव टू कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फॉर 1 ईयर. So we'll multiply 1 with 2. So here also it will be 2 and here also it will be 2. So is this clear to everyone? We'll do more questions in the next class and we'll finish off time value of money.
एंड मोर फॉर्मली विल स्टार्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.